खालिस्तान लिख के घर घर ते झंडे चढ़न गए अपने हुण मैं असीं आ गए यार मैं तैनूं 500 रुपए दिहाड़ी देना तो मेरे नाल चल अगला हुण पैसे नूं तां जाऊगा बंदा नाल हुण मैनूं कह देने बजुर्ग यार चल मैं तैनूं 1000 रुपए दिहाड़ी देना मैं भज गया हूँ मैनूं पैसे प्यारे ने मैनू यह थोड़ी दुखनी मैं तो बड़ी कोई सियासी पार्टी कोई कांग्रेस है या अकाली है वो तो भाई जी हूँ तुम्हें पता है सोशल मीडिया जमाना चंडीगढ़ के रोस मार्च किया इन्होंने उत्थे मैं एक गल धरने भी कही है भी उन्होंने उत्थे मजदूर जोड़े उन्होंने अकाली रैली की है किसानों के बारे सब तो वही गल तो ये मूर्खता है भी वो एक थले झंडे थले कट्ठे क्यों नहीं होंगे जे उन्होंने अपना पता है भी मैं किसान है किसान पुत्र तो एक झंडे थले कट्ठे हो तो क्यों अपने में अकाली झंडे ला रहे एक पास अकाली झंडा लाया एक किसान किसान ने किता झंडा लाया एक की है दूजी नंबर गल उन्होंने बंदे कट्ठे किए हैं ट्रैक्टर उन्होंने मंग के कट्ठे किए हैं लेबर वाले उन्होंने कट्ठे ट्रैक्टर कट्ठे किए हैं तो कह दें मरण तक साडा जिहड़ा ते नाल धरना रहेगा दिन रात अणथक मिहनत करके असीं इह चीज़ां नूं खत्म करावांगे जे असीं इहनां नूं खत्म नहीं कराउंदे ते साडियां पीढ़ियां खत्म होंदियां ने बहुत बहुत धन्यवाद सर तुहाडा पॉलिटिकल लैवल नाल गल करना धन्यवाद इहनां नूं कहिंदे आ भी पंजाब नूं बात रहिण दे जे पंजाब केरा उठ खड़िया बरूद ते बैठा है तीली लाउण दी देर है सब नष्ट हो जाणगे इह मोदी अडवानी अवानी उहदी कुछ नहीं रहिंदा इत्थे ਵੱਡੇ ਘਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮਤ ਸੋਚੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਜਾਂਗੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਅੱਗ ਮਚਾ ਦਿਆਂਗੇ ਜੇ ਇੱਧਰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਕਿਤੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਡਫਲੀ ਫੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਿਤੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਧਨਾੜ ਦਾ ਪੰਪ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇਸ ਵਕਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਹੱਥ ਇਹ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਖੁੰਝਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਸੋ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਸਵੀਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦੀ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਡਫਲੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲ Hey!
व्यापारी है साड़ी फसल नू खरीदेगा वो खरीद के हुण तां पहलां सानू जे फार्म मिल जांदा सीगा आड़ती तो असी उस उपर केस भी कर सकते जो साढ़े पैसे नहीं दिंदा लेकिन फिर असी किहदे पर केस करांगे इन्हां ने की करिया एस डी एम तक जां डी सी तक असी जा सकते हैं पर डी सी हर जिहड़ा कि एस डी एम है ये तो इन्हां पोलीटिकल सरकारां दे ही बंदे ने ये तो इन्हां नू दब लैणगे पैसे भी दे सकते ने ये साडे वाले थोड़ी होणगे किसानां दे वास्ते थोड़ी होणगे जी इस तरह उन्होंने बनाया ना उन्हां हत्थां दे नाल ही रद्द करा के छड़ांगे जिस तरह उन्होंने मतलब बनाया ना उस तरह करावे उन्हें वापस दवावे ये पंजाब है ये बिहार या यूपी नहीं जे बंगाल उधरले सूबे नहीं है जड़े डर जाएंगे ये तो भगत सिंह के वारस ने जिन्होंने इंग्लैंड के आ गए ऊधम सिंह ने वो अंग्रेज़ नू मार सकते हैं जबकि उन्होंने इतने राज सीगा वो हुण तां असीं अपने देश ही हैं कोई दूर नहीं है ये तो साढ़े लिए बहुत आसान है यह कम करवाना अभी तो मोदी कहीं देख रहे हैं भी जेकर वो मन जाए चंगी गल है नहीं तो असी मनवाण उन्हां नू जाणदे हां हुण काफ़ी वीडियो वायरल हो रही ने कि किसान पराली नू अग ला रहे ने तुसीं इस बारे की कहना चाहोगे कि वह सही ने या गलत ने जिहड़ी पराली नू अग लाने वाली गल है जिहड़ी ग्रीन ट्रिब्यूनल है एक वह जज ही समझो वो वालों एक आदेश है भी किसान नू 6-7 हज़ार रुपया मुआवजा मिलना चाहिए असी भी ये मंग करते हैं और सानू 2000 रुपया क्वांटल मगर यह बोनस दे सरकार जेकर सानू साडा बनदा मुआवजा दिता जाता है फिर तो असी पराली नू अग नहीं लावांगे पर जेकर सानू ये सरकार जिहड़ी गल्लां नाल सारदी है तो फिर बिल्कुल असी सर पंजाब सरकार कहिंदी है कि वह सबसिडी दिंदी है किसानां नू बिल्कुल किसी नू कोई सबसिडी नहीं बिल्कुल गल्लां दे विच ये कड़ा बनांदे ने पै कोई किसी नू पैसा नहीं जेकर ये सबसिडी देंदे ने सरकार कोई जिहड़ा किसान है कोई बौला नहीं सानू भी देखदा है प्रदूषण है साडे वास्ते भी बीमारियां आउंदियां फैलदियां ने साडा कोई शौक नहीं जे सरकार सानू कोई सबसिडी देंदी है तो असी पराली नू बिल्कुल अग नहीं लावांगे जेकर सानू कोई सबसिडी नहीं देंदी तो असी अग लावांगे और फिर वेखांगे कौन साडे ते परचे करदा है उहदे नाल फिर असीं आप ही नजिठांगे सर पंजाब दे लोकां द्वारा हाल ही दे विच रिलायंस दे पंप होण चाहे रिलायंस दे सिम्मा होण उहनां दा भी विरोध किया जा रहा तुसीं उहनूं किवें वेखदे हो ये जिहड़े रिलायंस दे पंप ने जां इह सिम्मा ने जां इह अपने टोल प्लाजे ने जिहदे उत्ते अज असीं बैठे होए हां ये जिन्ने भी वड्डे घराने ने ये उहनां दे अदारे ने उहनां दे इह कारोबार ने और इन्हां दे वड्डे जिहड़े घराने ने अंबानी अडानी इन्हां दे इशारियां दे उत्ते ही ये जिहड़े काले कानून ने वह बनते ने पए इस करके असीं इन्हां काले मतलब वड्डे घरानियां नूं ये कारोबार बंद करके ये संदेशा देने भी मत सोचो साडियां जमीनां ते जिहड़ी तुहाडी अख है तुहानूं असीं पंजाब दे विच पैर नहीं पाण देंगे पैरां थले अग मचा देंगे जे इधर देखिया तां पर भी जी देखा गया कि अकाली दल ने जो पिछले दिन रैलियां कीतिया ने उन्होंने काफ़ी ज़्यादा उन्होंने भीड़ देखी जा रही नौजवानों की उन्होंने मैं तुम्हें किस गल का जवाब दें कोई उन्होंने भीड़ नहीं वह तो सब ने एक ना बकाऊ माल है जिदा हूँ कह दें भी यार आपने हूँ मैं असं आ गए यार मैं तुम्हें 500 रुपया दिहाड़ी देना तो मेरे ना चल अगला हूँ पैसे तो जाऊगा बंदा ना हूँ मैंने कह देने बजुर्ग यार चार मैं तुम्हें 1000 रुपया दिहाड़ी देना मैं भज गया हूँ मैंने पैसे पै रहे ने मैंने यह थोड़ी दुखनी मैं तो बड़ी कोई सियासी पार्टी कोई कांग्रेस है या अकाली है वो तो भाई जी हूँ तुम्हें पता है सोशल मीडिया जमाना चंडीगढ़ के रोस मार्च किया इन्होंने उत्थे मैं एक गल धरने भी कही है भी उन्होंने उत्थे मजदूर जोड़े उन्हें अकाली रैली की है किसानों के बारे सब तो बड़ी गल तो ये मूर्खता भी वो एक थले झंडे थले कट्ठे क्यों नहीं होंगे जे उन्होंने अपना पता है भी मैं किसान है किसान पुत तो एक झंडे थले कट्ठे हो वो क्यों अपने में अकाली झंडे ला रहे हैं एक पास अकाली झंडा लाया भाई किसान किसान ने किता झंडा लाया एक की है दूजी नंबर गल उन्होंने बंदे कट्ठे किए ने ट्रैक्टर उन्होंने मंगे कट्ठे किए ने लेबर वाले उन्होंने कट्ठे ट्रैक्टर कट्ठे किए ने तो कह दौ दिखा रहे हाल ही देखा गया कि 2-3 ट्रैक्टर भी अग्गा लाई गई ने चीज़ में किए ये तो भाई जी तुम ना मैं थोड़ा पटियाले दवा देना पटियाले तो थोड़ा 20,000 का ट्रैक्टर लेके जाने दिखावा भाई जी अपने फूको ना अपने 4x4 ट्रैक्टर की सियासी पार्टियां द्वारा किया गया स्टंट है बिल्कुल जुबला बिल्कुल सियासी पार्टियां वह जनता भड़काऊ कर रहे हैं भी लोग भड़कन लोगों तो सानू भी ये भी लोग साड़ी मैच कर बस मुद्दा घुमा रहे हैं गेम घुमा रहे हैं इन्हों की कैप्टन की इन्हों की सुखबीर की सारे की अपनी आपस गल है एन रे आराम एसिया च बैठे ने हूँ तुम देख लो अज तो टोल प्लाजा तो धरना लगे ना तो ये अज बंदे ये बंदे बन गए ने माँ के पुत ठीक है नहीं कदों इन्हों ने ना बाहर नहीं निकलना सी एसिया च रहना इन्होंने ऑर्डर मारना पानी लाओ पर अज धोन तो गोडा धरिया साढ़े किसान जिन्हें भी बजुर्ग साहब जिन्हें भी नौजवान भीर आए हैं
ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰਤਾ। ਮਿੰਟ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਪਰੋਂ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਧਰਨਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਹਟ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਂ ਪੱਖੀ 'ਚ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਧਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ? ਇਹ ਧਰਨਾ ਵੇਖੋ ਜੀ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਥੋਪੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਬੜੇ ਮੰਦ ਭਾਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੱਟ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲੈ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ 31 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਆਏਗਾ, ਵੈਸੇ ਨਿਰੰਤਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਨਿਰੰਤਰ ਮਰਨ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਧਰਨਾ ਰਹੇਗਾ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੈਵਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਧੰਨਵਾਦ।